तो आज फाइनली हनुमान जी से राम जी मिलेंगे और राम जी से हनुमान जी मिलेंगे। तो आज होगा हनुमान जी का मिलन। तो बेसिकली आज है लंका दहन और अंदर चल रही है प्रिपरेशन और मेरा मेकअप हो चुका है डन। आगे की क्लिप दिखाता हूँ आप लोगों को। अंदर चल रहा पूजन, पहले वस्त्र का प्रॉपर पूजन होता है, उसके बाद वो मुझे हैंड ओवर होगी, फिर मैं उस रूम में आऊँगा। देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह सदृश दिखलाते हैं। महाराज आप कोई चिंता ना कीजिए, मैं अभी ब्राह्मण का रूप बनाकर जाता हूँ और उनके भावों का पता लगाता हूँ। यहाँ की वन है यह गंभीर, महाराज आप कौन हैं? श्यामल गौर शरीर, मानव शरीर के नाते से हम इतना तुमसे पूछते हैं, देखा है हमने कहीं तुम्हें, कुछ भूल रहे हैं सोचते हैं। तुम हमसे यह पूछते हो, हम क्या बतलाएं हाल, क्या कह दे हम कौन हैं, है यह कठिन सवाल। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बतलाएं कहां के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। है रूप आपका ब्राह्मण सा, पर दिखलाते वनवासी हैं, ऐसे ही हम भी इस वन में राजा हैं और सन्यासी हैं। परदेश में अपना ठीक पता देता ना किसी को कोई है, जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी वही है। हम अयोध्यापति दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन भ्रमण को आए हैं। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, लेकिन लंकापति रावण उसे छल कपट से ले गया है। हम सीता की खोज में मारे मारे फिर रहे हैं। अब आप भी बतलाइए कि आप कौन हैं? कौन अंजनी सुत प्रभु, हनुमान है नाम, वानर जाति है मेरी, किष्कंधा मेरा राम। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लड़ाएंगे, जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे। सारे सुख का बलिदान करें सीता का पता लगाने में, सारा जीवन कुर्बान करें पृथ्वी का भार हटाने में। जिस सिया फार्म ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे, कर्ता कारण तो आप हैं प्रभु, जाहिर में हम कहलाएंगे। प्रभु प्रभु आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, आज बजरंगी का सितारा बुलंद हो गया। आइए प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषिमुख पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव जी का निवास स्थान है, आप चलकर उन्हें दर्शन दीजिए, वह आपके काफी काम आ सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा हो। अमी सुग्रीव किष्किंधा नरेश हैं, जो दुष्ट भाई बाली के हाथों बड़ा कष्ट पा रहे हैं और नगर को छोड़कर इस पर्वत पर जीवन बिता रहे हैं। हनुमान जी तुम जामवंत नल नील आदि बहादुरों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ और जानकी का पता लगाओ। केवल आपकी आज्ञा की देरी थी भगवान, हम अभी जाकर लंका की ईंट से ईंट बजा देंगे और माता जानकी को आपके चरणों में उपस्थित कर देंगे। हाँ प्रभु, आप माता जी की पहचान के लिए
अपनी कोई निशानी भी दे दीजिए। भक्तराज हनुमान, इस कार्य का होना आपके द्वारा ही संभव लगता है। शीघ्र लौटकर आइए, देर न करना वीर, वैद्य ही के दुख में मेरा दुखी शरीर। और ये लो अंगूठी ले जाओ, महावीर इसे देते आना, और उसकी कोई निशानी भी तुम आती बार लेते आना। जैसी आज्ञा प्रभु। पवन सुत हनुमान, इस काम को तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा बल पवन के समान है। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम तुलारा है। बल्ले उसके ही हाथों, तो वो ही मल्लाह हमारा है। ओ जामवंत, क्या कहते हो? जाकर समुंदर पर गरजू मैं, पहले उस रावण को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? इस खारी जल की नाली को लांघूं या अभी गिर जाऊं, या जिस पहाड़ पर लंका है वह गिरी त्रिकुट ही ले आऊं? सो गंध पूर्वक कहता हूं, जो कहा है वह दिखला दूंगा, अपनी जान की स्वामिनी को स्वामी से अभी मिला दूंगा। अभिनंदन, जय सियाराम। जय सियाराम। माता जी, मैं हूं आपका सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, मैं प्रभु राम जी का दूत हूँ और आपकी सुधि लेने के लिए मुझे प्रभु राम ने भेजा है। लेकिन इससे पहले तो मैंने तुम्हें नहीं देखा। माता जी, आपका कहना भी सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान नहीं थी, किंतु एक बार आपकी खोज करते करते श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर आए और इस प्रकार महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। बस उसी दिन से यह सेवक भगवान के श्री चरणों में है। नहीं, मैं ये कदापि नहीं मान सकती। दूर हो जाए मेरे सामने से। अब मैं बहुत संभल चुकी हूँ। इस प्रकार छल कपट दिखाने से मैं अब तेरे धोखे में नहीं आऊंगी। विश्वास कीजिए, मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। मैं भगवान राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ। हे माता, यदि आपको अब भी मुझ पर विश्वास न हो, तो आते समय भगवान ने मुझे यह मुद्रिका दी थी, जिससे आप मुझ पर विश्वास कर लें। आज कितने दिनों के पश्चात मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए, जैसे स्वयं रघुकुल मेरे सम्मुख हो। जलते हुए वृह को शांति का अवलंबन मिला। कहो बेटा, तुम्हारे स्वामी से लक्ष्मण तो कुशल है? हाँ माता जी, प्रभु अनु सहित बिल्कुल कुशल पूर्वक हैं। केवल आपके विरह में प्रभु अत्यंत दुखी हैं। माता जी, आप धैर्य धरिए, प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आपकी विपत्ति का अंत हो जाएगा। प्रभु राम ने यही संदेश दिया है
कि कुछ दिनों पश्चात वह आपसे अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप अपने मन में किसी भी प्रकार से चिंतित ना होइए। बेटा, इस समय तो मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ, केवल भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम संसार में अजर अमर रहो। अजर अमर गुण निज सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। माता जी, मेरी एक प्रार्थना है। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है और इन सुंदर पेड़ों पर लगे फलों को देखकर मेरा मन ललचा रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। हाँ बेटा, मेरी ओर से तो आज्ञा है, किंतु यहाँ भयंकर राक्षस पहरेदार है और उनसे बचना मुश्किल है। माता जी, मुझे केवल आपकी कृपा चाहिए। मुझे इन राक्षसों की तनिक भी चिंता नहीं है, मैं तो केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मेरी ओर से कब इनकार है बेटा।